हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास इलेवेंथ के चैप्टर टू से लास्ट टॉपिक लाइकेन, और इसी टॉपिक के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। हम फिर बात करेंगे नए चैप्टर में। तो पहले हम इस चैप्टर को, लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। लाइकेन, लाइकेन क्या है, इसकी खोज कैसी हुई थी, और ये हमें कहाँ पे लाभ देता है और कहाँ पे हानि देता है, और इसका महत्व क्या है, यही सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं लाइकेन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने 374-284 BC जैतून वृक्ष ओलाइव ट्री की छाल पर होने वाली अतिरिक्त ऊपरी वृद्धि के लिए किया। मतलब इन्होंने इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था, जैतून वृक्ष की छाल पे होने वाली अतिरिक्त ऊपरी वृद्धि के लिए किया था। इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। पहला पॉइंट, लाइकेन कवक और शैवाल के परस्पर संयोजन से बनते हैं। लाइकेन कैसे बनते हैं, कवक और शैवाल के परस्पर संयोजन, जहाँ पे कवक शैवाल मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, लाइकेन बनता है। इनके शरीर का अधिकांश भाग कवक का बना होता है, और कवक सूत्रों के बीच बीच में शैवाल उपस्थित होते हैं। मतलब अधिकांश भाग किसका होता है, कवक का होता है, और बीच बीच में शैवाल उपस्थित होते हैं सूत्र के रूप में। सामान्य रूप से शैवाल लाइकेन की ऊपरी सतह के समीप ही एक स्तर के रूप में उपस्थित रहता है। मतलब कैसा होता है, शैवाल लाइकेन की ऊपरी सतह के समीप ही, मतलब स्तर रूप के एक लेयर के रूप में इससे उपस्थित रहता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कवकों और शैवालों के मिलने से लाइकेन की अनेक जातियां बनती हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के कवक और विभिन्न प्रकार के जब शैवाल मिलते हैं तो अनेक प्रकार की लाइकेन की जातियां बनती हैं। पांचवा पॉइंट देखेंगे, लाइकेन में कवक और शैवाल सहजीवन जीवन यापन करते हैं, अर्थात उसके शरीर से ऊपर कवक और शैवाल भाग को अलग अलग कर दिया जाए तो इनमें से प्रत्येक का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। अगर शैवाल और कवक को अलग कर दिया जाए तो इनका जीवित रहना कठिन हो जाता है, इनका जीवित रहना कठिन होता है। लाइकेन के लाभ देखते हैं। लाइकेन के लाभ, लाइकेन का खाने के लिए क्या लाभ है, एक पार्मेलिया, मतलब लाइकेन खाने के लिए भारत में करी पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पार्मेलिया भारत में करी पाउडर के रूप में, मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। औषधि के रूप में देखते हैं, पार्मेलिया मिर्गी रोग के उपचार में भी काम आता है। मसाला, जो मसाला होता है लाइकेन खाने के लिए, जो मसाला लाइकेन के रूप में होता है, उसे परमोट्रोमाप रेलेटम कहते हैं। जंतुओं के खाने के लिए क्लोनेडिया रेडियर मॉस या रेगिफेरिया इसे कहते हैं, ये होता है लाइकेन जो जंतुओं के खाने के रूप में होता है। लिटमस पेपर रासायनिक कामों में, लिटमस पेपर रोसेला मेनेगेटिस जो होता है वो लिटमस पेपर जो होता है हमारा, इसके द्वारा लिटमस पेपर का उपयोग अम्लक्षार सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। माइक्रोबायंट शैवाल को आश्रय देता है और खनिज और जाल का अवशोषण करता है। मतलब माइक्रोबायंट शैवाल को आश्रय देता है लाइकेन, और खनिज और जाल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाइकोबायंट कवक के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। फाइकोबायंट कवक के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। लाइकेन के प्रकार, लेप्रोज लाइकेन अनेक छोटे छोटे गुच्छे और कवक तंतुओं के द्वारा घिरे रहते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं, लेप्रोज लाइकेन अनेक छोटे छोटे गुच्छे और कवक के रूप में घिरे होते हैं, इन्हें लेप्रोज लाइकेन कहते हैं। कवक स्तर शैवाल स्तर में विभेदन कर पाना कठिन होता है। पर लेपेरिया इनकाइना इनका उदाहरण है, लेपेरिया इनकाइना। क्रस्टोज लाइकेन चिपकी पपड़ी चट्टान जैसी अवस्था में पाए जाते हैं। चिपटी पपड़ी चट्टान जैसी अवस्था में पाए जाते हैं, इसका उदाहरण है व्यूलिया ग्रेफिस।
तीसरा देखते हैं फेलियोज लाइकेन। फेलियोज लाइकेन चपटे पत्ती नुमा पॉलित तथा शाखित घास जैसे होती है। कैसे होते हैं? चपटे पत्ती नुमा, और कुछ कैसे होते हैं? शाखित घास जैसे होते हैं। पारमेलिया गायरोफोरा इसके उदाहरण हैं। चौथा देखेंगे फ्रटिकोस लाइकेन। ये कैसे होते हैं? अत्यधिक शाखित होने के कारण झाड़ियों के समान लंबवत प्रतीत होते हैं। मतलब कैसे प्रतीत होते हैं? लंबवत प्रतीत होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, आसनिया आदि। लाइकेनों से हानियां। लाइकेनों से हमें क्या हानियां होती है? लाइकेनों की हानियां देखते हैं। वाना अग्नि फॉरेस्ट फायर लाइकेनों के कारण ही लगती है। मतलब लाइकेन के कारण ही वन में आग लगती है, ऐसा कहा जा रहा है। असेनिया नामक लाइकेन अति ज्वलनशील होता है, अति ज्वलनशील होता है। सिस्टेरिया जीनी वेराइना से पिनास्ट्रिकनिक अम्ल नामक विषाक्त रसायन प्राप्त होता है। यह प्राण घातक होता है। ये कैसा होता है? यह प्राण घातक होता है। लाइकेन का महत्व देते हैं। महत्व, पारिस्थितिकी महत्व। लाइकेन चट्टानों पर पादप अनुक्रमण में विशेष सहयोग करते हैं। लाइकेन प्रदूषण बहुत अच्छे संकेत हैं। मतलब लाइकेन प्रदूषण का बहुत अच्छा संकेत है। यह प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। मतलब जहाँ पे प्रदूषित क्षेत्र होता है वहाँ पे ये नहीं उगते। लाइकेन में लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्बिलिकेरिय को आर्कटिक प्रदेश में भोजन के रूप में करते हैं। मतलब ये जो अम्बिलिकेरिय मतलब लाइकेन है, इसको आर्कटिक प्रदेश में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद्य के रूप में असिनिया क्लेडोनिया, मतलब खाद्य के रूप में असिनिया क्लेडोनिया का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन भी इससे बनता है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को भी लाएं, देखते हैं। लाइकेन क्या है, इनके प्रकारों का उदाहरण द्वारा समझाइए। लाइकेन, लाइकेन कवक तथा शैवाल का सहजीवी संगठन है। इनमें कवक तथा शैवाल साथ साथ रहकर एक विशिष्ट पादप संरचना बनाते हैं। कवक और शैवाल साथ साथ रहकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। कौकांश लाइकेन को जल और खनिज उपलब्ध कराता है, जबकि शैवलांश लाइकेन को भोजन उपलब्ध कराता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कौकांश जो होता है वो लाइकेन को जल और खनिज उपलब्ध कराता है, जबकि शैवलांश लाइकेन को भोजन उपलब्ध कराता है। लाइकेन के दो प्रकार होते हैं। पहला है एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन, इसमें कौकांश एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, जैसे परमेलिया, ये एस्कोलाइकेन में आता है। बेसिडोलाइकेन, इसमें कौकांश बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। किस वर्ग के? बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, जैसे कोरेला। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? लाइकेन। तो हमारा ये दूसरा चैप्टर यहीं पे स्टॉप होता है। अगर आपको इस दूसरे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।